वैसे खैर मैं प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के राजा हैं जी, मैं उनकी बुराई तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करनी, हमारे राजा, मैं भी नहीं करूंगा। हाँ बोलिए। परंतु मेरा सिर्फ एक ही बात है कहना कि जो हमारा दलित समाज है जी, या मुस्लिम समाज है जी, ये हिंदुत्व इसको यानी नजर पे लाता है जी, और हमको मुस्लिम समाज और दलित समाज को एक लाना, एक करना है और अपने संविधान को बचाना है जी। जब हमारा संविधान बचेगा तो ही भारत देश के हर धर्म के लोगों का, हर वर्ग के और हर जाति के लोगों का सम्मान बचेगा, उनकी इज्जत बचेगी। अगर ये संविधान को तोड़ मरोड़ के खत्म करते हैं और उसको नाजुक करते हैं तो आम जनता के साथ इतना अत्याचार और जुर्म होगा कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। वाला प्रधानमंत्री पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, संसार में ये उड़ रहा है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मोदी जी और योगी जी, ये इन पे कोई औलाद नहीं, आस नहीं, इनमें क्या गरीब होगा वो समझेंगे। सिद्धांतों की बात करती है, समानता इक्वलिटी की बात करती है, और जो कहती है वो काम करती है। वो आपका एग्जांपल हमारे साथ में है, क्योंकि उन्होंने कोई घोषणा पत्र लागू नहीं किया लेकिन सर्व समाज के लिए जमीन पट्टे खूब काट के भंजी ने दिए। सर आपको मीडिया में कहीं भी देख लीजिए, निश्चित सच बात है। ये योगी मोदी खा गए, योगी मोदी खा गए, क्या खा गए, देश खा गए और चाड़ खेत खा गए। इस पर बाहर के नहीं है, यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले जी, नजर ही के रहने वाले। तो बता दीजिए दुश्मनों को। हाँ हम बता रहे हैं, जो लोग बाहर के रहने वाले वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो कौन सा गाँव है? मेरा गाँव भामो है। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं चुनावी चकल्लस के तीसरे चरण के चुनाव कासगंज के गांव भामा में हूं, और आप देख सकते हैं ग्रामीण लोग यहां पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, इधर उधर देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है, और छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग और महिलाएँ और युवतियाँ पूरे तरीके से कदम मिलाकर साथ दे रही हैं। और जो छोटे बच्चे देख से बहन कुमारी मायावती जी की टोपी लगाकर काफ़ी प्रसन्न महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यहीं पर हमको जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू भारती। राजू भारती जी, क्या करते हैं आप? किसानी। किसान हैं। तो मोदी सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? सम्मान निधि दी जा रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा गल्ला सस्ता करके उसी का वो पैसा हमको दे रही है सरकार। गैस सिलेंडर की महंगाई है, पेट्रोल डीजल महंगाई है, सब बिजली के बिलों पे महंगाई है, हमारा पैसा हमें ही को दे रही है केंद्र सरकार, अपना कुछ नहीं दे रही बीजेपी सरकार। नहीं तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है सरकार, तो इसमें क्या कहना ना, इसके कोई सबका विकास नहीं है, वो अपना विकास कर रही है बीजेपी। अच्छा बेटा तुम उधर आओ। हाँ चाचा क्या बता रहे थे आप? हम तो ये कह रहे थे बिजली का बिल ज़्यादा है, गैस महंगी कर दी है जी। हाँ तो हमें कोई इससे लाभ नहीं है। लाभ नहीं है तो इस बार परिवर्तन चाहते हो या मोदी जी को रिपीट करोगे? नहीं जी, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं तो किस पार्टी का वोट होना चाहिए? क्यों जो आपके हम बहन जी के लिए जी, बहन जी का वोट होना चाहिए। बहन जी का वोट जीत रही जी, बहन जी को वोट देंगे साफ। बहन जी कौन बहन जी है? मायावती बहन जी। मायावती जी जिनका झंडा है नीला झंडा, हाथी निशान है, नीला झंडा हाथी निशान। यहाँ पर लोगों में काफी जागरूकता महसूस कर रहा हूँ मैं, ये हाथ में छड़ी लेकर खड़े हुए हैं बुजुर्ग जी। क्या नाम है आपका? तौसीफ जी। तौसीफ भाई क्या कहना चाहते हैं? हमारी बहन जी जीतेंगी, बहन जी ही देश को सही बना पाएंगी, और हमारे आर्य भाई हमारे बीच आ गए, हम वोट आर्य भाई को देंगे, यही हमारा कहना है। लोगों का कहना है आर्य भाई बाहर के। सर ये पक्का झूठा आदमी है। कौन? मोदी। कौन है मोदी? मोदी सर ये देश का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वैसे तेजी से प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं सही से बात करूंगा, जीके बात करूंगा, लेकिन उस रूप में अगर बात करें तो ये जीरो आदमी है सर। लुटिया चोर है। क्योंकि सर ये निश्चित बात है कि दो लोग जो हमारे दो बंदे थे, एक तो अमित शाह हो गया, दूसरा मोदी हो गया, ये गुजरात हाईकोर्ट ने इनको मतलब तरीपार लेकर बाहर कर दिया था। अब जनता को बेवकूफ बना करके जो देश की जनता अरबों की संख्या में है वो निश्चित रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है, और झूठ बोल करके भी बोलेगा मैं 15 लाख रुपए दूंगा, ये सबको पता है देश के लिए। वो सर ना तो पैसा आया ना कुछ आया। इस पर बाहर के नहीं है, यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले जी, नजर ही के रहने वाले। तो बता दीजिए दुश्मनों को। हाँ हम बता रहे हैं, जो लोग बाहर के रहने वाले वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो कौन सा गाँव है? मेरा गाँव भामो है। भामो जी। क्या करेंगे भामो में आप? क्या करेंगे? वोट कब पड़ रहा है? वोट पड़ा 20 तारीख को। 20 तारीख को। हाँ। सबके साथ सबके विकास की बात भूल जाएंगे आप? भूल जाएंगे नहीं, भूले हुए हैं। क्या हुआ है साख बता? 1000 रुपए का आ रहा है सिलेंडर, बिजली का बिल 1000 रुपए का आ रहा है, हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से? मेरे साथ चचा, क्या हाल है? हाल है, गैया सब खेत खा गई। गैया खेत खा गई, और जिनकी दाढ़ी लंबी है उनको उनका कोरोना खा गए। कोरोना खा गए? बीजेपी खा गए। खत्म। जोर से बोलिए, मैं ऊंचा सुनता हूँ। बीजेपी खा गई। किसको?
खेत खा गई, आदमी खा गई, कभी खा गई, खा गई खेत बीजेपी नहीं खाई, खेत तो सांड खा गए, गाय खा गई, और कौन खा रहा, कौन बता रहे हो तो बीजेपी सही बात है, ये सही बर्दाश्त नहीं होगी। योगी मोदी खा गए, योगी मोदी क्या, योगी मोदी खा गए, योगी मोदी खा गए, क्या खा गए, देश खा गए, और चाण खेत खा गए। दोस्तों साथियों, मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गाय और गाय का बछड़ा गांव में घूम रहे थे। सर ये पक्का झूठा आदमी है। कौन, मोदी? कौन है मोदी? मोदी सर ये देश का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वैसे तेजी से प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं सही से बात करूंगा, जी के बात करूंगा, लेकिन उस रूप में अगर बात करें तो ये जीरो आदमी है सर, लुटिया चोर है। क्योंकि सर ये निश्चित बात है कि दो लोग जो हमारे दो बंदे थे, एक तो अमित शाह हो गया, दूसरा मोदी हो गया, ये गुजरात हाईकोर्ट ने इनको मतलब तरीपार लेकर बाहर कर दिया था। अब जनता को बेवकूफ बना करके जो देश की जनता अरबों की संख्या में है वो निश्चित रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है, और झूठ बोल करके भी बोलेगा मैं 15 लाख रुपए दूंगा, ये सबको पता है देश के लिए। वो सर ना तो पैसा आया ना कुछ आया, जनता बोली वाली, पब्लिक काय की बोली वाली है, पब्लिक लालची है इसलिए बातों में फंस गई। हाँ सर पब्लिक लालची है, कुछ बोली वाली भी है सर, कभी लालची तो है, लेकिन सर बेचारे को खाना नहीं होगा और बोले मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा, बेचारे मेरे काम कर दे, मजदूरी बच्चों के लिए कर देता है सर, पेट के लिए कोई काम कर देता है, इसलिए मतलब बेचारी बोली वाली है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर जयप्रकाश, जयप्रकाश गौतम नाम है मेरा, जयप्रकाश गौतम जी। आपने बताया पब्लिक भोली वाली को बेवकूफ बना रहे जी। हाँ सर बोली सभी नेता लोगों का कहना है जो भी सरकार आती है बना देती है। नहीं सर वो काम तो हाँ निश्चित रूप बना देती है, वो काम ये मतलब ये कर रहा है हमारा कांग्रेस। भोली भाली जनता को कौन बेवकूफ नहीं बना सकता? नहीं देखिए सर नहीं बना सकता, बहन कुमारी मायावती नहीं बना सकती, हमारे जनता मतलब सिंपल सी राजनीति करती है बहन जी, उनको पता है कि कुछ भी हो मैं जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं करूंगी, खिलवाड़ नहीं करूंगी। हाँ। सिद्धांतों की बात करती, सिद्धांतों की बात करती है, समानता इक्वलिटी की बात करती है, और जो कहती है वो काम करती है वो। आपको सर एग्जाम्पल हमारे साथ में है, क्योंकि उन्होंने कोई घोषणा पत्र लागू नहीं किया, लेकिन सर्व समाज के लिए जमीन पट्टे खूब काट के बहन जी ने दिए सर, आपको मीडिया में कहीं भी देख लीजिए, निश्चित रूप से सच बात है ये, और सिंपल सी बात है उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अभी घोषणा पत्र नहीं किया। मुझे पूर्व मोहम्मद से पता है कि जब बहन जी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो सब गरीबों के लिए हित की ऐसी काम करेंगे, ऐसी योजना उनकी होगी जो उससे भी पहले थी, वैसी योजना होंगी, योजना होंगी। लोग मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं के साहब वो ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन मोदी जी पूरा राशन दे रहे हैं, क्या कहें सर जी? जो ये मोदी जी हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने पूरा संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ रख दिया है, इनका कौन सा संविधान है वो चला रहे हैं, संविधान की बात ही नहीं करते हैं, पूरा देश को गरीबों को राशन दे रहे हैं और तमाम बिजली का बिल ले रहे हैं, जो कितना कितना बिल गरीबों को, कहाँ से बिल देगा गरीब, कहाँ उन पर गरीब है पहले साहब? बिजली का बिल देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आर्मी के जवानों को नई नई गन दिलवानी है, नए नए वाहन देने हैं बुलेट प्रूफ, और बुलेट प्रूफ जैकेट देनी है, कहाँ से पैसा? सर ये मोदी से ज़्यादा खतरनाक झूठा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ। एक हमारा कासिम विधानसभा में पटियाली विधानसभा पड़ता है, उस विधानसभा में बताइए मोदी जी योगी जी आ रहे हैं, अरे गांव में आ रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री आज तक इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो गांवों में या विधानसभा का चुनाव घूमे। अरे साहब अमीर खुसरो की भूमि है, मोदी क्या, मोदी के और बड़े बड़े नेता आए। कोई भी प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री जो हुआ आज तक, कोई भी किसी विधानसभा में उनने इंटरेस्ट नहीं लिया आज तक जो विधानसभा में घूमे। आज तक इस मोदी ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, संसार में ये उड़ रहा है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मोदी जी और योगी जी। ये इन पे कोई औलाद नहीं, आस नहीं, इन क्या गरीबों का वो समझेंगे? इन्होंने संविधान को तोड़ के मरोड़ के सब रख दिया, संविधान की बात ही नहीं करते ये। चलिए मैं आपसे, अरे भाई हैं विधानसभा खास क्षेत्र से, कौन है आरिफ साहब? मैंने सुना मोहम्मद आरिफ है, यही के नगरी गाँव पास में है, वहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे बड़ों जीत रहे हैं, और जो 58 सीटें चुनाव हुआ है अभी, 58 सीटों पर बसपा कम से कम 40 सीट लेकर आ रही है, और मोदी जी का बिल्कुल गोल है, दूसरे नंबर सपा है जो 10-12 सीट लेकर आ रही है, बाकी 58 सीटों में 40 सीटें वो लेकर आ रही है बीएसपी, और ये मीडिया वाले कभी भी बसपा को आगे नहीं दिखाते। क्या आपकी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है? ये पूरे बिके हुए हैं मीडिया वाले, ये मोदी जी पैसे दे देते हैं मीडिया को, पूरा बिक के चैनल महन जी को दिखाई नहीं रहे हैं, पूरा गोल कर दिया है, और ना जी मोदी जी शर्त बदले अगर 58 सीटों में 40 सीट महन जी के नाम है मायावती की। अरे साहब मैं, अरे भाई कम से कम 50,000 वोट जीतेंगे यहाँ पर। अरे आप क्या कह रहे हैं जी, मोदी जी की बुराई कर रहे हैं तुम्हारे सामने, पलंग देखो ना। वैसे खैर मैं प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के राजा हैं जी, मैं उनकी बुराई तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा। हाँ बोलिए। परंतु मेरा सिर्फ एक ही बात है कहना कि जो हमारा दलित समाज है या मुस्लिम समाज है, ये हिंदुत्व तो इसको यानी नजर पे लाता है जी, और हमको मुस्लिम समाज और दलित समाज को एक लाना, एक करना है, और अपने संविधान को बचाना है।
जब हमारा संविधान बचेगा तो ही भारत देश के हर धर्म के लोगों का, हर वर्ग के और हर जाति के लोगों का सम्मान बचेगा, उनकी इज्जत बचेगी। अगर ये संविधान को तोड़ मरोड़ के खत्म करते हैं और उसको नाजुक करते हैं तो आम जनता के साथ इतना अत्याचार और जुर्म होगा कि उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले हर आदमी यानी संविधान की कंट्रोल में आता है। बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा? इसीलिए लिखा कि हम समझा कर हार गए, हमारी किसी ने न मानी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं एक रचना करता हूँ। उन्होंने एक संविधान की रचना की कि यानी भारत समाज के जितने भी मनुष्य हैं, लोग हैं, वो संविधान के तहत रहेंगे, संविधान के तहत काम करेंगे। और आज संविधान के लिए यानी मनुवाद में बदला जा रहा है, यानी संविधान के तहत हम नहीं काम कर रहे हैं। संविधान के अगर तहत काम करें तो जन जन सुखी होगा, किसी की गाय घेट नहीं खाएगी, किसी का बच्चा दुखी होकर नहीं मरेगा। संविधान के तहत हम भी मतलब सहायता करेंगे, सरकार की सहायता करेगी। तो सबसे पहले हमें संविधान को बचाना है, संविधान ही जीवित है। तो संसार के जीव जितने भी मतलब कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हीं को सम्मान, उन्हीं को इज्जत और उन्हीं का मतलब जो है विकास हो सकता है। संविधान नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि एक हाथी, हमारी BSP पार्टी का एक हाथी है चुनाव चिन्ह, और वो चुनाव चिन्ह जो हाथी है वो क्यों रखा गया था? अंबेडकर साहब ने कहा था कि हाथी की पीठ चढ़ाई और मतलब जो है मैं फिर भी मतलब आनी मर कर भी आज अमर हूँ। अच्छा, जैसे हाथी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? जो हाथी के जो चार पांव हैं। अरे आना तो आओ यार, तुम तो ऐसे सोच रहे हो कि दूल्हा हो यार ब्याह के। तो वो चार पांव जो हाथी के हैं वो चार धर्मों के हैं। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या बात है, जो चार धर्म बोलते हैं। आप पे PhD करनी पड़ेगी महोदय। जब हम मतलब हाथी नहीं, मैं BSP की प्रशंसा और उसके प्रोटोकॉल और उसकी पूरी कहानी के लिए नहीं आया हूँ, मुद्दे की बात करिए। अच्छा, मुद्दे की बात करिए। हमें दलित और मुस्लिम को एक करना है। कर दिया, कैसे कर देंगे? और हम संविधान को बचाना है। नाम क्या है? प्रताप सिंह। आगे ये है कि मैं BSP का मतलब मैं कर रहे आदमी हो, BSP का कार्यकर्ता हूँ। BSP मैं तो सोच रहा था पंडित जी हैं यहाँ पे, कर रहा इसे काम करता हूँ योगी जी की तारीफ। और मैं यहाँ तक प्रयास करता हूँ कि जब तक बसपा सरकार नहीं आएगी तब तक संविधान सुरक्षित नहीं होगा। आपने बहुत अपनी बात बहुत गागर में सागर भरने की बात कही है, और मैं मौलाना साहब से बात करूंगा। जनाब क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन कहाँ रहते हैं? सरफुद्दीन भामो। भामो ये कहाँ है? भामो विधानसभा में, कासगंज विधानसभा में। गोश्त खाया? कहाँ मिल रहा है गोश्त? बिरयानी कुछ ना मिल रहा। सालन तो मिल रहा है। मिल रहा है हाँ। तो 20 तारीख को जो वोट पड़ रहा है जी, उस पर क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है BSP को वोट देंगे, हाथी में वोट देंगे। अरे साहब, साइकिल का हल्ला है पूरे में। साइकिल का हल्ला है तो चलन ना दो उसमें हल्ला है तो। अच्छा हाँ, कोई हल्ला नहीं है उसमें? कोई हल्ला नहीं है। और क्या? अरे नहीं है। अखिलेश यादव जी कह रहे थे मैं मुसलमानों की बात करूंगा। नहीं है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं हूँ गाँव भामो से, कासगंज का और अलीगढ़ के बॉर्डर पर गाँव है भामो। अभी शुरुआत हुई चुनावी चकल्लस के दौरान, तो यहाँ पर काफी ज़ईफ लोग थे, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के यहाँ पर लोग मिले। और बड़ी बात, यहाँ पर जो भविष्य का, जो भविष्य को बनाने वाले जो बच्चे मिले यहाँ पर भारी संख्या में मिले। और डॉक्टर कलाम ने कहा था कि जो लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे वो राजनीति का अंग बन जाएंगे। तो मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा कि अपने मत का सही जगह करेंगे प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। चलो भैया, फोन निकालो। कौन कौन